दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि AICTE पोर्टल पर पेमेंट करनी है जो लोग नया कॉलेज खोल रहे हैं फार्मेसी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, वो किस प्रकार करनी है और उसकी सेटिंग किस प्रकार करनी है। जानने के लिए जुड़े रहिए। सबसे पहले हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग करनी है, जिसे खोलने के लिए दो ऑप्शन बता रहा हूँ। स्टार्ट में जाके यहाँ आप टाइप करना शुरू करेंगे, विंडोज 10 है, जैसे मैं लिखूंगा इंटरनेट ऑप्शंस, ठीक है, तो ये इंटरनेट ऑप्शंस का मेरा बटन खुल गया। यहाँ क्लिक करूंगा, मेरे इंटरनेट ऑप्शंस आ गए। सिक्योरिटी टैब में जाना है और मुझे ट्रस्टेड साइट्स पे काम करना है, लेकिन यही ऑप्शन खोलने का दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप खोल सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आपने क्लिक किया, आप देखेंगे कोई मेनू मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मेनू दिखाई देने के लिए आप अल्टर टी दबाएंगे, अल्टर दबाएंगे, मेनू आ गया आपके सामने। अल्टर बटन स्पेस बार के साथ होता है। टूल्स के अंदर जाके इंटरनेट ऑप्शंस, तो दो जगह से आप इंटरनेट ऑप्शंस खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपने ट्रस्टेड साइट्स के अंदर साइट्स को ऐड करना है, दो साइट्स को, जो आपको साथ दिए गए नोटपैड या ईमेल में प्राप्त होगी, ठीक है। वीडियो यूट्यूब के वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी। साइट्स के अंदर जाके ट्रस्टेड साइट्स पे क्लिक करूंगा, ट्रस्टेड साइट्स, और यहाँ इस बटन पे क्लिक करूंगा साइट्स के ऊपर। ये वो साइट्स है जो मुझे ऐड करनी है, बेसिकली ये पेमेंट गेटवे है जो मुझे ऐड करनी है अपने एक्सेस करने के लिए, ठीक है। आप किसी भी साइट का नाम यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा https://aicteindia.org और उसके बाद मैंने ऐड दबा दिया। जो साइट्स आपने ऐड करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने किया क्लोज, वापस आया जनरल सेटिंग पे और मुझे डिलीट करना है, डिलीट, यहाँ डिलीट दबाना है सारी हिस्ट्री। मैं सेलेक्ट करूंगा सभी चीजों को और डिलीट का बटन दबा दूंगा, एंड आई क्लिक अप्लाई एंड आई से ओके। अब मेरा ब्राउजर एक तरह से नया हो गया है और साइट्स को ट्रस्ट करता है, ठीक है। अब मुझे इस ब्राउजर को क्लोज करके, अच्छा रहेगा मैं रिस्टार्ट कर लूं, एक बार फिर से मैं इसको खोल रहा हूं इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। मैं लिख रहा हूं INTER, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया मेरा ऊपर, ठीक है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन है जिस पे आपने क्लिक करना है। अब आप फिर से AICTE की साइट के ऊपर जाएंगे, AICTE की साइट खोल रहा हूं मैं, यह है वेब पोर्टल लॉगिन। मैं वेब पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर जाऊंगा, जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है जिससे मुझे पेमेंट करनी है। अब हम अपने AICTE पोर्टल में यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। मैं साइन इन कर रहा हूं, यहां जाकर आप अगर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं फॉर्म, जब आप इधर जाएंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन से पेमेंट का। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपने अमाउंट जमा करवाना है, आपको सजेशन रहेगा पहली ट्रांजेक्शन 10 रुपए की करके देखे, ठीक है, और उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन 90,000 करके आप बाकी पेमेंट करें, ताकि कोई ट्रांजेक्शन अटकने के केस में आपका दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां आप सबसे ऊपर क्लिक करेंगे प्लस साइन के ऊपर, प्लस साइन करते ही ये ऊपर आपका 3 पेमेंट गेटवे दिखा रहा है, जैसे CCAvenue, CIB और ICICI बैंक ओनली। तो आप CIB या CCAvenue, जो बहुत फेमस पेमेंट गेटवे है, उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया कि मैं 10 रुपये पे करना चाहता हूँ और कुछ नहीं करना। आफ्टर दैट क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, ये बटन खोलना है। ये पेज आ गया है, ये पेज मुझे आगे भेज रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट पे। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये CCAvenue नाम की वेबसाइट के ऊपर फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ आके आपके ऑप्शन आ गए हैं कि 10 रुपये जो आपने पे करने हैं, हालांकि हमने 8 लाख पे करने हैं, लेकिन बार बार ऐड करके मैं पे कर सकता हूँ, ताकि मैं चेक कर लूँ कि किस तरह से पेमेंट होगी। आप सेलेक्ट करेंगे जो भी पेमेंट गेटवे है, जैसे कोटक बैंक किया,
सर्विस चार्ज ऐड होके 31 रुपये दिखा दिया, मैं ओके कर रहा हूँ। ये आ गया मेरा पेमेंट इसके ऊपर कोटक बैंक की साइट पे जो मैंने इस बैंक सेलेक्ट किया था। यहाँ मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा, ओटीपी आएगा और ओटीपी डाल के ओके करूंगा। याद रखिए ब्राउजर बंद नहीं करना आपने, यह वापस AICTE की साइट पे जाएगा और तब तक आप इसे क्लोज नहीं करेंगे। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है AICTE की साइट पर आपको कैसे पता चलेगा, इसे जानने के लिए आप समझिए ये ट्रांजेक्शन जनरेट हुई मेरे सिस्टम से, जैसे 10 रुपये की जनरेट हुई है, लेकिन ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी 10 रुपये की ट्रांजेक्शन CCAvenue के थ्रू हुई, जब यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी लिखा हुआ आएगा, रिसिप्ट आईडी लिखा हुआ आएगा, तभी मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल हो गई है। अगर आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होती है तो आप ईमेल डालेंगे इनके हेल्प डेस्क को और एडमिन को तथा साथ साथ पेमेंट गेटवे को भी। अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो ये है पेनिमो, और दूसरा थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं तो ये कंपनी है CCAvenue, तो इनको मेल भी डालनी पड़ेगी कि हमारी ये पेमेंट नहीं हुई है, और हो सके तो अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए इस बारे में। हमने जो शुरू में सेटिंग की थी वो ये साइट्स थी जो लिखी हुई है TPSL India CIB ICICI Bank.com। ये साइट्स आपको ऐड करनी होती है पेमेंट करने से पहले, जो हमने अभी आपको करके दिखाई थी। आपको अन्य कोई भी मदद चाहिए हो नए कॉलेज के अंदर, आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, फाइल तैयार करवानी है स्क्रूटनी के लिए, EVC के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी है, लैब इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, जनरल्स, सॉफ्टवेयर चाहिए हो AICTE नॉर्म्स के हिसाब से, या एक नया सॉफ्टवेयर जो डिमांड है AICTE में जो ग्रीवियंस का है वो भी अवेलेबल है हमारे पास, लैंग्वेज लैब है तथा पोर्टेबल लैब टेबल्स है। कोई भी चीज़, कोई भी ज़रूरत हो आपको इंस्पेक्शन के दौरान, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं। थैंक यू।